से भगवान भास्कर का ये त्यौहार है और उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें पूरे देश में बड़े धूमधाम से अब देश का पूरे दुनिया में मनाई जा रही है और जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से लोगों की जानकारी मिली कि भगवान सूर्य की पूजा करने से क्या क्या जो है लाभ होते हैं और ये अपार ऊर्जा के स्रोत हैं भगवान सूर्य जो है, इसलिए इनकी पूजा होती है परिवार की सुख शांति के लिए, परिवार के उन्नत के लिए, परिवार के विकास के लिए और परिवार की बढ़ंती के लिए ये पूजा औरतें करती हैं। जिस परिवार में औरतें की तबीयत खराब हो या वृद्ध हो या न कर सकती हो तो उस परिवार में पुरुष भी करता है। पवित्रता का इसमें खास ध्यान रखा जाता है और इसमें धान के जो साठी का चावल होता है, सुथनी होता है, इसमें गन्ना, सेब, फल, तमाम सारे जो मौसमी फल हैं उनका प्रयोग किया जाता है। डाला में रख के चूँकि इस पूजा को किया जाता है, षष्ठी के दिन किया जाता है, इसलिए छठ पूजा के नाम से जाना जाता है और डाला में रख के किया जाता है, इसलिए डाला छठ भी इसको कहते हैं। कार्तिक के षष्ठी के दिन ये जो है मुख्य पर्व है, कल से ये नहाए खाए से हमारा पर्व शुरू हो रहा है और 3 दिन का ये प्रोग्राम जो है होगा। 36 घंटे का निर्जल व्रत रहती हैं महिलाएँ और इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। इसमें जो भी पूजा की जाती है उसमें सब 6, 12, 24 की संख्या में, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो केला हो, चाहे और तमाम इस पर जो है गाने भी बने हैं, तमाम महिलाएं इस पर गाने भी गाती हैं बड़े धूमधाम से। लेकिन जो इस पर्व को करता है 36 घंटे निर्जल व्रत रहने के बाद भी उसको ये आभास नहीं होता है कि हम व्रत हैं, भगवान सूर्य की जो है अपार जो है ऊर्जा उनको मिलती है और वो इस व्रत को करते हैं। लखनऊ में इस यहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं? लखनऊ में लगभग 10 लाख लोग इस साल छठ की पूजा करेंगे। लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान, छठ मेला घाट, लगभग 35 साल पहले मैंने इस भोजपुरी के माध्यम से इसकी शुरुआत किया था और आज लगभग जो 4-5 आदमी को लेकर मैंने किया था। आज लखनऊ में 10 लाख लोग पूजा कर रहे हैं। छठ का घाट छोटा है, जो भोजपुरी की संख्या है उसके हिसाब से छठ घाट छोटा है, इसलिए लोग अपने घरों में, अपने छतों पर, अपने पार्कों में भी जो है छठ के पूजा जो है करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी हर पर्व पे? इसमें देखिए, हमने लगभग 3 महीना से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। नगर निगम, जिला प्रशासन, DM, IG, पुलिस महानिदेशक और जो आदित्य हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सबको जो है निर्देशित किया है कि छठ पूजा भव्य तरीके से मनाया जाए, किसी प्रकार का व्यवधान न हो। अभी पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन ने सुजीत पांडे ने सुरक्षा व्यवस्था की मीटिंग किया है और 13 तारीख को रात भर पुलिस गश्त करेगी, चाहे घर हो चाहे घाट न घटने का पावे। यहाँ पर जो है मैंने स्टीमर की और जल पुलिस की व्यवस्था किया है, इसमें जो है पुलिस फोर्स रहेगी। यहाँ हमारे जो लोग छठ पूजा के लिए आएंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था, VIP की सुरक्षा व्यवस्था और लगभग 100 कलाकार भोजपुरी के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें मालिनी अवस्थी हैं, सुरेश कुशवाहा हैं और किशोर चतुर्वेदी हैं, संजू बघेल हैं, इस तरह से मेरे पास 100 कलाकार। कितने लोग पहुंचेंगे यहां पर पूजा करने के लिए? 13 तारीख को 2 बजे कार्यक्रम का शुरुआत होगा और 14 तारीख को प्रातः जो भगवान सूर्य दिखाई देंगे उनको अर्घ दे के कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। लगभग 18 घंटा ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। लक्ष्मण मेला मैदान में लगभग 2 लाख के लगभग जो है यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं। क्या सुविधाएं दी जाएंगी? बड़ा कार्यक्रम है आपकी तरफ से सुविधाएं? हमारे हमारे जो भोजपुरी लोग हैं और मैं इस छठ पर्व के माध्यम से आपके ETV भारत और छठ पूजा के सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपकी तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही है? मेरे तरफ से हम लोग 3 महीने से मेरी टीम पूरी लगी हुई है। हम लोग श्रमदान करते हैं, सफाई करते हैं, यहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं लोगों के आने जाने की और हमने सरकार से भी ये मांग किया है कि यहाँ परिवहन व्यवस्था, आने जाने की भी परिवहन की व्यवस्था। आज जो भी देख रही हैं यह 35 साल की मेहनत के परिणाम है कि आज जो व्यवस्था यहाँ देख रही हैं वो व्यवस्था रोल। सूर्य को अर्घ देने वाले पर्व छठ पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ में छठ पूजा गोमती नदी के तट पर मनाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर फिलहाल छठ पूजा पर जो मूर्ति होती है उसके लिए छठ की वेदी बनाई गई है, जो कि यह कई तरह की है, कुछ छोटी है साइज में और कुछ साइज में काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं। जैसे कि यहाँ कुछ मिट्टी की बनी हुई है और यहाँ सीमेंट की भी छठ की वेदी बनाई जा रही है। इसके लिए परिवार कई सुबह से ही यहाँ लगे हुए हैं ताकि वह अपनी वेदी तैयार करवा सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका छठ पर्व बेहद उल्लास भरा बीते। ETV से रमांश मिश्रा, लखनऊ।